हमारी शारीरिक कार्य प्रणाली में किसी भी तरह का बदलाव देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमारे किस अंग में समस्या है। जैसे यूरिन का रंग पीला देखते ही हम समझ जाते हैं कि हमारी किडनी ठीक नहीं है। इसी तरह छाती में दर्द होता है तो हम पता कर लेते हैं कि हमारे दिल में कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही यदि हमारे फेफड़ों में कोई दिक्कत होती है तो क्या यही स्थिति होती है? फेफड़े हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं जो रक्त वाहिनियों को रक्त पहुंचाते हैं। ज्यादातर लोग फेफड़ों की सेहत के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देते। फेफड़ों में किसी भी तरह की दिक्कत आने से सांस संबंधी समस्या या फिर टीबी का शिकार होना पड़ जाता है। ऐसे में आपको अपने फेफड़ों का थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां चारों तरफ दूषित खाना है और दूषित पर्यावरण, ऐसी स्थिति में फेफड़ों का ख्याल रखना आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। आज हम आपको उन लक्षणों के बारे में बताएंगे जो ये बताते हैं कि आपके फेफड़े में दिक्कत है। साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन बातों से आपका फेफड़ा खराब हो सकता है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि फेफड़ों संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या सावधानियां और उपाय कर सकते हैं। तो चलिए आयुर्वेद समाधान पर जान लेते हैं आज फेफड़ों से संबंधित ये सभी जानकारी। जानकारी शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। जब आपका शरीर ऐसे लक्षण देना शुरू करे तो समझ जाइए कि आपके फेफड़े में दिक्कत हो सकती है। इनमें है सबसे पहले सांस का फूलना। अगर आप टहलते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए या फिर कोई छोटा मोटा श्रम करते हुए हांफने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि बिस्तर पर लेटे लेटे भी सांस फूलने लगती है। ये फेफड़े की किसी गंभीर समस्या के लक्षण हैं। अगर ठीक समय पर इलाज ना कराया जाए तो इससे सांस संबंधी गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़े खराब होने का एक और सिम्टम है बहुत ज्यादा बलगम बनना। अगर खांसते वक्त बहुत ज्यादा कफ निकलता है तो ये भी फेफड़े की गंभीर बीमारी का सूचक होता है। इसके अलावा अगर आपको 3 महीने से ज्यादा समय से खांसी है तो ये ब्रोंकाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। फेफड़े खराब होने पर एक और संकेत देते हैं छाती में दर्द। छाती में दर्द अक्सर दिल संबंधी बीमारियों का लक्षण माना जाता है, लेकिन अगर आप छींकते, खांसते या फिर सांस लेते हुए छाती में दर्द महसूस करते हैं तो ये फेफड़ों में वायरस के संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और किसी भी गंभीर बीमारी को बनने से पहले इसको कंट्रोल कर लें। फेफड़ों की खराबी में एक और लक्षण दिखाई देता है, वो है सांस लेने में तकलीफ। अगर आप सांस लेने में घुटन महसूस कर रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं तो ये आपके लंग डिसफंक्शन का संकेत हो सकता है। लंग्स में ऑक्सीजन की ठीक तरह से आपूर्ति ना होने पाने की वजह से या फिर गंदगी या बैक्टीरिया के कारण धमनियों के ब्लॉक हो जाने की वजह से इस तरह की समस्या सामने आती है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं और समय से पहले इसका इलाज कर लें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। लगातार खांसी आना, ये भी आपके फेफड़े संबंधी बीमारी का संकेत हो सकता है। खांसी आना सर्दी, बुखार और गले में किसी भी तरह की दिक्कत आने के दौरान सामान्य होती है, लेकिन अगर आप 5 हफ्ते से लगातार खांस रहे हैं तो ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया या टीबी के लक्षण हो सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने फेफड़ों का ख्याल रख सकते हैं। नंबर 1, पानी। फेफड़ों की सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पर्याप्त पानी। पानी से फेफड़े हाइड्रेट यानी गीले बने रहते हैं और फेफड़ों की गंदगी इसी गीलेपन की वजह से बाहर निकल जाती है और फेफड़े सेहतमंद बने रहते हैं। इसलिए आप लगातार पर्याप्त पानी पीते रहें। लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज में एलिसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये सूजन और जलन कम करता है और संक्रमण से निपटने में भी मदद करता है। ये फेफड़ों में घुसे प्रदूषण कणों को खत्म कर देता है। अस्थमा में लहसुन का सेवन लाभकारी बताया गया है। लंग कैंसर में भी ये गुणकारी होता है। इसलिए लहसुन और प्याज का आप इस्तेमाल अपने वैद्य की राय के साथ भी लें, साथ ही अपने खाने में भी इसकी मात्रा बढ़ा दें। ओमेगा 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड पूरे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन कई अध्ययनों में ये पता चला है कि ये अस्थमा में भी काफी लाभकारी होते हैं। ये आपको अखरोट, बीन्स, दूध से बनी चीजों और अलसी के बीजों में मिलेगा।
फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सेब भी एक अहम भूमिका निभाता है। सेब मतलब एप्पल, फ्लेनेरॉइड विटामिन ई और विटामिन सी, ये तीनों फेफड़ों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। सेब में ये तीनों पाए जाते हैं, इसके लिए बच्चों को सेब का जूस पिलाएं और बड़ों को सेब खाना चाहिए। अब बात करते हैं फेफड़ों के लिए गोभी का क्या रोल है। पत्ता गोभी, फूल गोभी और खासकर ब्रोकली से फेफड़ों के कैंसर का खतरा घटकर आधा हो जाता है। इन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है जो खून बनाने और इसे साफ करने में एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए अपनी डाइट में पत्ता गोभी, गोभी और ब्रोकली शामिल करें। अब बात करते हैं कि फेफड़ों की सेहत के लिए अदरक का क्या रोल है। इसमें ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन, जलन जैसी दिक्कतों को दूर करते हैं। साथ ही ये फेफड़ों में घुसे प्रदूषक तत्वों को भी शरीर से बाहर निकाल देते हैं और हमें निरोगी बनाते हैं। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दरअसल एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं से विषैले पदार्थों को निकालकर बाहर फेंकते हैं। ऐसे में ये जहां फेफड़ों को कई तरह की बीमारियों से बचा लेते हैं, वहीं फेफड़ों में ट्यूमर बनने से भी रोकते हैं। फेफड़ों को सेहतमंद बनाए रखने में विटामिन सी की बड़ी भूमिका होती है। विटामिन सी फेफड़ों को पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। संतरा, नींबू, अंगूर, टमाटर, ब्रोकली, इन सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। डाइट में इन्हें भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं हल्दी। हल्दी को आयुर्वेद में हरफन मौला कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर बीमारियों में काम आती है। अदरक की तरह हल्दी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का तत्व भी होता है, ये कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में कारगर होता है। हल्दी का नियमित प्रयोग फेफड़ों के रोगों से बचाता है, लेकिन हल्दी का प्रयोग करने से पहले आप अपने किसी वैद्य जी से राय जरूर ले लें, क्योंकि इसकी अधिकता भी नुकसानदेह हो सकती है। अब बात करते हैं गाजर आपके फेफड़ों के लिए कैसे उपयोगी है। ये विटामिन ए और विटामिन सी का बड़ा स्रोत होते हैं। साथ ही गाजर में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो सेहतमंद फेफड़ों के लिए उपयोगी होते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फेफड़ों को कमजोर बनाती हैं। आप अगर धूम्रपान करते हैं तो ये सबसे पहले फेफड़ों को खराब करती है। अगर आप रोजाना सिगरेट या फिर किसी भी तरह का धूम्रपान करते हैं तो ये सबसे पहले आपके फेफड़ों को ही खराब करती है, क्योंकि ये धुआं फेफड़ों में इकट्ठा होता है और वहां एक टार उत्पन्न कर देता है। ये टार ही आपकी जिंदगी के लिए एक अभिशाप बन जाता है और फेफड़े खराब करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगर आप स्वस्थ फेफड़े चाहते हैं तो धूम्रपान और धुएं वाली चीजों से दूर रहें। कम पानी पीना। आपकी कम पानी पीने की आदत भी फेफड़ों को खराब कर सकती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो ऐसे में फेफड़े सूख जाते हैं और वो वेट नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में आपके फेफड़े सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और वो कुछ ही दिनों बाद खराब होने लगते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे जो हमने आपको बताए हैं तो तुरंत आप इसके संबंध में अपने वैद्य जी से या फिर डॉक्टर से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रों और आपके परिवारजनों को भी ये ज़रूरी जानकारी यूं ही मिलती रहे। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी आशा है। नमस्कार।